गाजीपुर जनपद से, जहां सादात थाना क्षेत्र के गौरा गांव में पंचायत चुनाव के पूर्व हुए गोलीकांड के मुख्य आरोपी पूर्व प्रधान को मंगलवार की सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से कुर्की कार के साथ ही एक पिस्टल और दो कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने उसका चालान करते हुए जेल भेज दिया। मालूम हुआ कि पंचायत चुनाव के एक दिन पूर्व 28 अप्रैल की रात अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित गौरा ग्राम सभा की सीट पर ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ रही महिला प्रत्याशी धनपति देवी के बेटे महावीर राम 28 को उस समय घात लगाए हमलावरों ने गोली मार दी थी, जब वह गांव में अपने समर्थकों के घर गया था। घटना को उपचार के लिए वाराणसी ले जाया गया था। घटना से आक्रोशित दलित जाति के सैकड़ों लोगों ने पूर्व प्रधान मनोज सिंह पर युवक को गोली मारने का आरोप लगाते हुए उनके मकान पर हमला बोल दिया था। घर में तोड़फोड़ करने के साथ ही बाहर खड़ी कार, ट्रैक्टर व अन्य जरूरी सामानों को आग के हवाले कर दिया। इस मामले में घायल महावीर के भाई सत्यवीर पुत्र नंदलाल की तहरीर देकर पूर्व प्रधान मनोज सिंह व तीन अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था। एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने घटना की रात की मौका मुआयना करते हुए संबंधितों को शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया था। पुलिस फरार लोगों की तलाश में जुटी थी। इसी क्रम में मंगलवार को मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सादा थाना प्रभारी निरीक्षक दिव्य प्रकाश सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना पर लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य आरोपी गौरा गांव निवासी पूर्व प्रधान मनोज सिंह को आज करीब 3 बजे खिजरीगंज पुलिया के पास घेरबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी लेने पर उनके पास से 32 बोर का एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। जिस कार में वह सवार था उसे भी कब्जे में ले लिया। गाजीपुर जनपद से अजित कुमार की रिपोर्ट।